ंदर कौर सीनियर फैकल्टी एट अभिमन्यू आई एसरी अभिमन्यू आई एस यू नो इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर द आई ई एस एंड पी सी एस एंड ऑल्सो बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आई ई एस पी सी एस एच सी एस जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए अभिमन्यू आई एस नोन है ओवरऑल नॉर्थ इंडिया के अंदर और ट्राई सिटी के अंदर वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है ये लास्ट ट्वेंटी फाइव ईयर से स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहा है फॉर द आई एंड पी एंड अदर एग्जामिनेशनस तो स्टूडेंट आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पी एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी में जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम है मेंस की हम यहाँ पे मेंटरशिप यू नो डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे तो मेंस में हमारा ऑलरेडी जो डन है स्टूडेंट दैट इज पेपर फोर की हमने डिस्कशन कर ली है पहले पेपर थ्री की हमने डिस्कशन कर दी है पेपर टू की भी हमने डिस्कशन कर दी है तो आज हम करेंगे स्टूडेंट ट्वेंटी ट्वेंटी का जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें पेपर नंबर वन तो जीएस पेपर वन की हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट ठीक है जी जीएस पेपर वन की हम यहाँ पे क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे ठीक है जी ओके ओके तो एज़ यू ऑलरेडी नो कि नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकती है फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज, तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए स्टूडेंट एक कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको कंप्लीट कीजिए अब हम समझते हैं स्टूडेंट्स लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड अवर प्री पी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर द मेन्स ठीक है और जिसमें हम जीएस पेपर वन को हम यहाँ पे समझेंगे ठीक है जी ओके okay. तो बात करते हैं स्टूडेंट पेपर को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है ठीक है सिलेबस का जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर को आप तभी अटैम्प्ट कर पाओगे जी एस वन टू थ्री जब आपको सिलेबस क्लियर होगा सिलेबस ही नहीं पता तो आप उस पेपर में करके ही क्या होगे तो सबसे फॉरमोस्ट प्रायोरिटी आपकी सिलेबस पे होनी चाहिए कि सिलेबस किस तरीके से आपको यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है आपके पेपर वन में तो पेपर वन में मेनली तीन यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट पहला जोग्राफी दूसरा हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज अवर सोसाइटी तीन सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट हमारे फर्स्ट वन इज योर योग्राफी सेकेंड वन इज योर हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज योर सोसाइटी पहला सेक्शन है हमारा स्टूडेंट हिस्ट्री का जिसमें हम हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन करेंगे ठीक है हिस्ट्री के बारे में वो क्वेश्चन पुट करेगा आपसे हिस्ट्री में आपकी एंशेंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आपकी पंजाब की हिस्ट्री ऑब्वियसली पंजाब सिविल सर्विसेज का पेपर है तो पंजाब की हिस्ट्री तो आपसे पूछी ही जाएगी हिस और नो सो दैट्स वाई स्टूडेंट यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री वाला पोर्शन रेडी ठीक है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एटीन सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ल्ड वॉर ठीक है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है आपका सिलेबस स्टूडेंट बहुत अच्छे से यू you नो know, पूरी यू नो एलेबोरेशन पूरा एलेबोरेट करके यहाँ पे पेपर को यू you नो know, उन्होंने बताया है ठीक है ये बहुत अच्छी बात है पीपीएससी की तो इसमें सब कुछ है स्टूडेंट ठीक है हर चीज़ जो है वो यहाँ पे दी हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है आप पढ़ लीजिए बच्चे ठीक है ओके वैसे भी आपको पता ही है वैसे हिस्ट्री का पेपर अच्छा फिर है हमारा हिस्ट्री ऑफ पंजाब ठीक है जिसमें रंजीत सिंह का राइजिंग पावर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन विद ब्रिटिश एनेक्सिक्शन ऑफ पंजाब पंजाब का एनेक्सैक्शन जो है वो कब हुआ ठीक है एनेक्स कब हुआ वो स्पेशल ए, रेफरेंस कैसे है क्या कॉज था उसका और फिर हमारी एंग्लो सिख वॉर होती है स्टूडेंट थ्री और फोर वॉर्स है हमारी एंग्लो सिख वॉर ठीक है तो उसके बारे में भी यहाँ पे हमसे पूछा गया है ठीक है जी ओके ओके अच्छा नेक्स्ट हाँ फिर हमारी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ये सारा सिलेबस यहाँ पे मेंशन है ठीक है ये भी सिलेबस है देख लीजिए इसमें मॉडर्न हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल हर चीज़ यहाँ पे है ठीक है फिर हमारा आता है जोग्राफी का सिलेबस जिसमें फ़िजिकल जोग्राफी ह्यूमन जोग्राफी एग्रीकल्चर जोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी हर चीज़ यहाँ पर आपको आपसे पूछी जाएगी ठीक है जी ओके आगे हम बात करते हैं हमारी ज्योग्राफी ऑफ पंजाब यू नो दैट कि पंजाब की जोग्राफी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितनी ज़्यादा रिच है राइट पंज आबंदी ए धरती है ठीक तो है तो बहुत ही फर्टाइल लैंड है स्टूडेंट तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन स्ट्रेटजी क्रॉप्स पंजाब की जो क्रॉप्स हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग प्रॉब्लम फेस्ड बाई एग्रीकल्चरिस्ट यू नो दैट कि पंजाब कितना ज़्यादा ओवर यूज होता है पेस्टिसाइड्स का तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं फिर है हमारा सोसाइटी सोसाइटी यू नो दैट की रोल ऑफ वीमेन वीमेन ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिटी क्या है यू you नो know, आपको पता ही है है ना पंजाब में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पे सिर्फ पंजाबी नहीं रहते ठीक है हर एक इलाका जो है उसका एक अपना अलग कल्चर है अपनी अलग अलग सोसाइटी है आइडेंटिटी है माजा मालवा दुआबा पुआदी पता नहीं कौन कौन से ऐसे ऐसे बहुत सारे कल्चरल यहाँ पे एस्पेक्ट्स हैं ठीक है उनके बारे में भी यहाँ पे बात करनी है ठीक है जी ओके तो स्टूडेंट यहाँ पे हम रुकते हैं एक बार के लिए और हम चलते हैं हमारे जी एस पेपर वन जो हमारा पेपर हुआ था ठीक है उसके डिस्कशन पे चलते हैं और एक एक करके हम उसका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं डिस्कस करते हैं और उसको देखते भी हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं ठीक है जी ओके ठीक है जी तो स्लाइड चेंज करते ओके ओके तो देखते हैं स्टूडेंट थ्री आवर का हमारा एग्जाम होता है मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं टू फिफ्टी ठीक है 250, थोड़ा सा मेरा जो कलर है वो थोड़ा सा आपको ऐसे डार्क शो तो हो रहा होगा या बाकी स्क्रीन ये थोड़ा सा स्क्रीन को डार्क करना ज़रूरी था बिकॉज फिर आपको वर्डिंग नहीं दिखाई देती है ठीक है ओके ठीक है ओके तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे हिस्ट्री का क्वेश्चन है गुप्ता पीरियड से पूछा हुआ क्वेश्चन है वन से के? आते जी कहता गुप्ता स्कल्पचर्स इज द लॉजिकल आउटकम ऑफ द अर्ली क्लासिकल स्कल्पचर ऑफ अमरावती एंड मथुरा मथुरा सिटी के बारे में पता है आपको और अमरावती के बारे में भी पता है अमरावती कहाँ पे प्रेजेंट है आंध्र प्रदेश के अंदर कहता है डिस्कस विद एग्जाम्पल फिर सेकेंड क्वेश्चन पे ये पूछ लेता है स्टूडेंट कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पालवास पालवास बता सकते हो आप कहाँ पे है इंडिया में किस जगह पे उन्होंने रूल किया पालवाज में ठीक है यहाँ पे स्टूडेंट उसने गुप्ता के स्कल्पचर, मतलब कि उसने गुप्ता एम्पायर जो हमारा, हमारा, कर हमारा गुप्ता एम्पायर है उसमें वो एम्पायर के बारे में नहीं पूछ रहा वो वहां के स्कल्पचर इसका मतलब वो आर्ट एंड कल्चर की वहां पे बात कर रहा है कि भाई जब गुल गुप्ता पीरियड था उस टाइम पे जब वहां की जो स्कल्पर की फॉर्मेशन थी अमरावती सिटी जो थी हमारी ठीक है उस टाइम पे भी सिटीज थी मथुरा थी वहां पे किस तरीके के स्कल्पर्स जो हैं क्लासिकल स्कल्पचर जो है वो किस तरीके के हमें मिलते हैं और उनका लॉजिकल आउटपुट क्या था गुप्ता स्कल्पचर्स का ये उसने एग्जाम्पल्स के साथ उसने क्वेश्चन पुट किया है हमारी हिस्ट्री का एग्जाम्पल है स्टूडेंट क्वेश्चन है ठीक है अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं कहता है एनालाइज द रोल ऑफ प्री कांग्रेस पॉलिटिकल एसोसिएशन इन द राइज ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन इंडिया ये हंड्रेड क्वेश्चन में है टेन मार्क्स का पूछा है इसने देखो अच्छा कांग्रेस कब बनी 1885 के अंदर हमारी कांग्रेस बन जाती है वो कह रहा है कि जो कांग्रेस का दो टाइम पीरियड माना जाता है एक गांधी से पहले वाला और एक गांधी जी के आने के बाद गांधी जी कब आए इंडिया में 1915 में ठीक है और उससे पहले का जो एरा था ठीक है जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी कांग्रेस uh, की वो कुछ अलग थी और उसके बाद कुछ अलग थी ये दोनों में आपको क्लियर कट जो है ना वो मिलेगा आपको ठीक है क्योंकि उससे पहले वो मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं थी ठीक है इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी हालांकि 1905 का जब बंगाल डिवीज़न हुआ उस टाइम पे थी वो ठीक है बट स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो पॉलिटिकल जो पार्टी है ठीक है वो जब बनती है प्री कांग्रेस जो कांग्रेस हमारी पार्टी बनती है वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा लेकर आती है आप देखिए उसके बाद देखिए 1905 के अंदर आके हमारे बहुत सारे लीडर जो हैं वो क्या हो जाते हैं और घोष ठीक है बहुत सारे ऐसे यंग जो लीडर होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं पॉलिटिक्स और इवन बहुत सारी पार्टीज़ का भी और तभी से बनना जो है वो शुरू होता है हमारा बाद में आप देखिए बहुत सारी हमारी पार्टीज बनती हैं किसान मज़दूर हमारी सिख सभा सिंह सभा ठीक है अकाली पार्टी भी वहीं से निकलती है बाद में काफ़ी बाद में जाकर ठीक है तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ से क्या होता है पॉलिटिकल राइज होता है हमारी प्री कांग्रेस हमारी कांग्रेस से ठीक है स्टार्टिंग में बनती कांग्रेस है लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है रीजनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ती है कांग्रेस पार्टी बनने के बाद ठीक है कांग्रेस हमारी 1885 में बनती है और धीरे धीरे जा करके उसमें बहुत सारा इवोल्यूशन होता है ठीक है और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लेकर आती है ठीक है फिर कहता है गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ पंजाब एन द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल यू नो दैट की गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट क्या था वो था कि जब महंत जो थे ठीक है तो उन्होंने क्या कर रखा था गुरुद्वारे के ऊपर एक तरीके से कब्जा ही कर रखा था मतलब जो गुरुद्वारों के अंदर जैसे आजकल के टाइम पे जो ग्रंथी सिंह होते हैं आपने देखे होंगे गुरुद्वारों के अंदर जो पाठ पूजा करते हैं उसको मेंटेन करके रखते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये ठीक है बट उस टाइम पे क्या था कि जो महंत थे उन्होंने परमानेंट उसको एज ए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ करना शुरू कर दिया था यू नो दैट कि जो हमारी मंदिर हैं जैसे हमारे टेम्पल्स होते हैं या हमारे जो गुरुद्वार होते हैं वो सब क्या है हमारे पब्लिक प्लेस के अंडर आते हैं ये वो लोगों की है ना कि वो किसी एक पर्सनल एक पर्सन की वो प्रॉपर्टी है बट महंतों ने ऐसा करना शुरू कर दिया और वो ब्रिटिशर्स को बहुत बड़े बड़े यू नो प्राइज देते थे और उसके बदले उनको यू you नो know, फेवर भी करते थे वो ठीक है तो उन्हीं से उन्हीं से गुरुद्वारों को बचाने के लिए ये मूवमेंट चलाई गई थी ठीक है गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ पंजाब ठीक है और जो तो बाद में जाके सक्सेसफुल भी होती है बहुत सक्सेसफुल रहती है ये मूवमेंट ठीक है ओके नेक्स्ट बात करते हैं हम व्हाट वर द स्टांसिस क्या था वट आर दरकम दट लीड टू महात्मा गांधी टू स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी हमारे नाइनटीन में क्या करते हैं हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं नाइनटीन में ठीक है एग्जामिन द कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ठीक है कॉन्ट्रीब्यूशन उनका ये था कि पहली बार इंडिया के लोगों को यू you नो know, एक तरीके का एक ऐसा मूवमेंट फील हुआ ठीक है जिसमें वो वॉयलेंस नहीं कर रहे थे बट जो वहाँ पे जिस तरीके से विरोध हो रहा था जिस तरीके से वो अंगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स का वो एक अलग ही नज़ारा था वो एक अलग ही डिफरेंट ही वे था टारगेट करने का राइट कि आप वॉयलेंस भी नहीं कर रहे और आप एक प्रोटेस्ट भी कर रहे अपना ठीक है कि हम कॉपरेशन ही नहीं करेंगे आपके साथ ठीक है गवर्नमेंट कब चलती है बच्चे जब हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं गवर्नमेंट के साथ आज इंडिया सारा इंडिया कोऑपरेट करना बंद कर दे उसी टाइम पे गवर्नमेंट घुटनों पे आ जाएगी यस और नो ठीक है गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है हम पे कर रहे हैं गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है हम उसको यूज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर रही है हम उसमें हेल्प कर रहे हैं आप जो इम्पोर्ट किया हुआ माल है आप उसको वो करना बंद कर दीजिए या यूज़ करना बंद कर दीजिए आप देखिए गवर्नमेंट का क्या हाल होगा राइट तो इस तरीके से स्टूडेंट पहली बार जो है वो यहाँ पे बहुत ही यू you नो know, एक मतलब यू नो सर्कमस्टांसिस चेंज हो जाते हैं पूरे का पूरा स्ट्र... जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो एक अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है ठीक है ओके नेक्स्ट okay. है हमारा डिस्क्राइब द स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका बाय यूरोपियन कॉलोनियल मास्टर्स व्हाट वर इट्स कॉन्सिक्वेंसिस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुट किया एग्जाम ने एग्जामिनर ने कि किस तरीके से अफ्रीका जो है ठीक है वो किस तरीके से स्क्रैम्बल कर गया ठीक है ड्यू टू द यूरोपियन कॉलोनियल मास्टर्स तो यहाँ पे आप एक बार के लिए जोग्राफी समझना बहुत जरूरी है किसकी हमारे अफ्रीका अगर आप अफ्रीका देखो तो स्टूडेंट ज्यादातर जो ऊपर वाला इलाका है वो ज्यादातर किसके अंडर आता है हमारे सहारा डेजर्ट के अंदर आता है ठीक है और फिर जो है ये नीचे वाला हमारे कोस्टल रीजन्स हैं ठीक है थीके? थोड़ा यहाँ पे भी हमारा यू you नो know, जो हमारा है ट्रॉपिकल रीजन है ज्यादातर अफ्रीका का ट्रॉपिकल रीजन में वो लाई करता है ठीक है अच्छा प्रॉब्लम क्या हुई जैसे इंडिया के अंदर एक ही यू you नो know, एक ही हमारे उसने रूल किया दैट इज अवर दैट इज ब्रिटिशर्स तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया पूरे इंडिया को एक करके रखा एक एक चीज़ बहुत अच्छी हुई हमारे साथ कि हम पे एक ही बंद पर उसने रूल किया कंट्री ने रूल किया ठीक है और उसने पूरे इंडिया को क्या करके रखा यूनाइट करके रखा फॉर इट्स ओन पर्पज ठीक है उन्होंने इंडिया को डिवाइड नहीं किया अगर वो डिवाइड कर देते ठीक है तो हो सकता था आज इंडिया का मैप कुछ और होता ठीक है बट हाँ लास्ट में जाते करते कर गए वो पाकिस्तान बना गए लेकिन चलो वो बात अलग है लेकिन अफ्रीका में क्या है ना अफ्रीका में नंबर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो रूल करती हैं पुर्तगाल फ्रांस जर्मनी ब्रिटिशर्स ठीक है पोर्चुगीज स्पेनिश और भी बहुत सारे इटली की बहुत सारी कॉलोनीज होती हैं तो इस तरीके से पूरा जो यूरोप है ना स्टूडेंट वो डिवाइड हो जाता है वो पूरा सॉरी पूरा अफ्रीका जो है वो क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है क्योंकि हर जो कंट्री जो भी यूरोपियन कंट्री थी वो अलग अलग क्या कर लेती अपनी कॉलोनी बना लेती जैसे ये पुर्तगाल ने रख ली ये फ्रांस ने रख ली ये फ्रेंच ने रख ली ये ब्रिटिशर्स ने रख ली ये फिर स्पेनिश ने यहाँ पे कब्जा कर लिया यहाँ पे जर्मनी ने कब्जा कर लिया यहाँ किसी और कंट्री तो पूरे यूरोपियन यूनियन की जितनी भी कॉलोनियल नो, you know, जो भी कॉलोनिज्म को फॉलो कर रही थी जो भी उस टाइम पे कॉलोनिज्म को प्रमोट कर रही थी जो भी कंट्रीज उन सब ने अफ्रीका के अंदर अपनी अपनी टेरिटरीज को क्या कर लिया डिसाइड कर लिया जिसकी वजह से पूरा अफ्रीका जो है वो आज तक उसकी जो है वो क्या कर रहा है उसका खामियाजा भुगत रहा है वो वो पे कर रहा है ठीक है ओके ठीक है जी क्योंकि स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जब भी आप किसी एरिया को कट करते हो बीच में उसके एक बॉर्डर लाइन करते हो तो वहाँ की जो सोसाइटी होती है वहाँ का जो कल्चर होता है वो डिवाइड हो जाता है जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती ठीक है जी ओके नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कहता है डिस्कस द महाराजा रोल इन कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल टेरिटरीज मिसल्स इनटू द पावरफुल स्टेट ऑफ पंजाब यू नो दैट कि आफ्टर गुरु गोविंद सिंह जी और फिर उनके बाद जो है वो धीरे धीरे पंजाब जो है वो क्या हो जाता है यहाँ पे पूरा जो पंजाब वाला इलाका है वो अलग अलग मिसल्स के अंदर क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है ठीक है मिसल्स के अंदर डिवाइड हो जाते बट जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो सारी मिसल्स को इकट्ठा करके एक कंसोलिडेटेड पंजाब का एक अम्पायर खड़ा करते हैं ठीक है ये मतलब महाराजा रंजीत सिंह की एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी कि वो पूरे पंजाब को क्या कर लेते हैं कर लेते ठीक है वट सॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स डिड ही इंट्रोड्यूस इन द फील्ड ऑफ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन यू नो दैट कि सिख आर्मी उस टाइम पे मतलब उसका लोहा जो है वो पूरे दुनिया में माना जाता था इतनी ज्यादा सिखार में जो थी वो मॉडर्न थी उस टाइम पे सिक्स जो क्वेश्चन है वो हमारा जोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है ध्यान दो स्टूडेंट कहता है हाई माउंटेन एरिया आर प्रोन टू लैंड स्लाइड लैंड स्लाइड होती है ना बहुत ज्यादा तो सीधा सिंपल क्वेश्चन पुट किया फिर उसने कंपेयर कंपेयर पूछा है टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हमारे ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं जैसे ये वाला जो रीजन है हमारा वन से ये वाला जो रीजन है हमारा दैट इज अवर ट्रॉपिकल रीजन और ऊपर वाले टेम्परेट रीजन तो जहाँ पे जो साइक्लोन आते दैट वी कॉल्ड टेम्परेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन में उसने फर्क पूछा है यहाँ पे ठीक so, है तो सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं नाइन्थ कहता है डिस्क्राइब द टर्म चाउस चोज डिस्कस द एसोसिएटेड प्रॉब्लम विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ पंजाब फिर उसने सेलियंट पूछा फीचर्स पूछे उसने फिजियोग्राफी ऑफ अपर बारी दुआब रीजन ठीक है द्वाबे वाले रीजन का उसने यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया मतलब कि पंजाब की ज्योग्राफी से वो क्वेश्चन पुट कर रहे टेंथ फिर वो छोटे छोटे क्वेश्चन पुट करता है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग में क्या फर्क है ठीक है ये हमारी फोल्डिंग है और ये हमारी फॉल्टिंग है इस तरीके की जो है फिर वो कॉरल ब्लीचिंग के बारे में पूछता है जो ओशियंस में टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हो रही है रिसोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है कॉपरेट फार्मिंग क्या है इस इसपे वो क्वेश्चन पुट कर रहा है ठीक है ओके फिर हमारा इलेवंथ क्वेश्चन है कहता चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम का ट्रेंड चेंज हो रहा है ना क्यों क्योंकि इंटर रिलीजन इंटर कास्ट मैरिजेस अब जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होनी शुरू हो गई हैं हमारी सोसाइटी के अंदर दैट इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज नेक्स्ट स्टूडेंट क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन पे वो क्वेश्चन पुट कर रहा है कि पंजाब के अंदर किस तरीके से आप देखिए चंडीगढ़ मोहाली ट्राई सिटी किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है राइट डिस्कस द रोल ऑफ विमेन इनगे बहुत ज्यादा का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चर के अंदर ठीक है और कई जगह पे घटता भी जा रहा है तो उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं फिर वो सोसाइटी पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में क्वेश्चन पुट करता है फिर फोर्टीन नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता हाईलाइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भक्त कबीर ठीक है भक्त कबीर पता है ना आपको क्या थे वो भगत कबीर के बारे में आपको पक्का पता होगा अच्छे से ठीक है कबीर जी जिनकी बाणी जो है वो हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में, में मेंशन है जिन्होंने सोशल इश्यूज के ऊपर मतलब कि सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम और बाकी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने क्या लिखी है उन्होंने उन, यहाँ पे लिखा है सोशल इवेल्स के ऊपर इन इंडियन सोसाइटी क्योंकि वो खुद जो थे वो एक मुस्लिम और बहुत ही बैकवर्ड कास्ट सिस्ट कास्ट से आते थे और फिर जो उन्होंने लिखा और उसका जब जो बहुत ही डीप मीनिंग है और बहुत ही डीप इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पे आज भी ठीक है ओके कल करे सो आज कर आज करे सो कल कल में परले हो जाएगी बहुत करेगा बहुत, फिर करेगा कब है ना तो जितनी जल्दी हो सके आपको अपना काम करना चाहिए इस पर हमारे भक्त कबीर कबीर जी ने बहुत अच्छा दोहा लिखा है ठीक है ओके फिर हमारा क्रिटिकली वैल्यूड द रोल ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ठीक है उसके बारे में यहाँ पे ये क्वेश्चन पुट करता है फिफ्टीन क्वेश्चन थे यहाँ पे हमारे यू नो एग्ज़ाम के अंदर जिसको आपको क्या करने थे अटैम्प्ट करने थे तो देखा स्टूडेंट पेपर बहुत ही ईजी है कंपेयर करो अगर आप पेपर को तो बहुत ही ईजी पेपर है स्टूडेंट सीरियसली मतलब अगर आपने बहुत अच्छे से अगर आपने तैयारी कर रखी है ठीक है आपने अच्छे से अपनी बुक्स को पढ़ा है प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किया लिखने की आपकी तो ये पेपर आपके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है ठीक है जी ओके ओके स्टूडेंट ठीक है जी तो इसी के साथ स्टूडेंट मैं ये सेशन आज का यहाँ पे कर रही हूँ ओवर बट बिफोर दैट सी हियर स्टूडेंट हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज वो स्टार्ट होने जा रहा है ट्वेल्व फेब से स्टूडेंट आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है जी ओके 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 स्टूडेंट्स थैंक यू थैंक यू सो मच हैव नाइस डे